हेलो गाइस, और बताओ कैसे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी जीजू की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम, और अभी देखते हैं शायद थोड़ी सी ड्राइविंग करेंगे उसके ऊपर, फिर मेरे को भाई शायद चढ़वा छोड़ने जाएगा। चढ़ाल मोड़ पहुंच चुके हैं, भाई मेरे को छोड़ने आया हुआ है। और आप भी दुकान पे जाएंगे, फिर बैठेंगे वापस, थोड़ा सा काम करेंगे। आज मिस्त्री भी लगेंगे दुकान पे, उन्होंने थोड़ी ऊपर फिटिंग करवानी थी ना, गोदाम किया खाली और ऊपर हमारे पास फिटिंग नहीं थी, और ऊपर करवाएंगे फिटिंग पक्का आज। और अभी भाई छोड़ के फिर मेरे को चले जाएगा घर पर वापस, क्योंकि जीतू ने भी अभी घर पर जाना, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है, और शायद उन्होंने फिर चले जाना घर पे। और देखते हैं, अगर शायद अभी सुनील भैया भी नहीं आए हैं, सुनील भैया भी थोड़ा लेट ही आएंगे आज। और राहुल भैया ने प्रसाद लगाया, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर। और गाइस, फिर मेरे को मनी छोड़ के चला गया था घर पे वापस, क्योंकि जीजू ने जाना था, वो भी लेट हो रहे थे। और फिर मैंने दुकान ओपन की, फिर दुकान को लगा के फिर अभी काम कुम किया थोड़ा, फिर अभी की रेस्ट, क्योंकि आज ऊपर मिस्त्री भी लगी हुई है, फिटिंग करवा रहे हैं दुकान के ऊपर, जैसे कि आपको पहले बताया था। और अभी हम नीचे बैठे हुए थे, और आज बारिश का मौसम नहीं है, धूप चढ़ चुकी है आज, और बाहर भी नहीं बैठा जा रहा, ठीक है, अच्छा मौसम है। और मैंने सोचा था कि अगर शायद आज भी मेरा कैमरा स्टैंड आ जाए, नहीं तो कल तो पक्का फाइनल होगा, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे कि कब मेरे पास आएगा और कब ब्लॉग बनाएंगे, उसे फर्स्ट ब्लॉग कब बनाएंगे, कि मतलब कि एक होता है ना, खुशी होती है अपने मन में कि यार नई चीज़ है कि कब हमारे हाथ में आएगी, वही कुछ एक्साइटमेंट है। और आज हार्दिक का एक बैलून टाइप हुआ घोड़ा, उसको भी हवा बनानी है आज। राहुल भैया बुला रहे हैं मेरे को, चलते हैं आगे। हाँ जी भैया। और गाइस, हार्दिक का बैलून अभी जाना है शाम को, उसको भी हवा बनानी है उसमें। और यहाँ पर लगा हुआ काम फिटिंग का, हमारे हैप्पी भैया कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं ये। और देख सकते हो पहले जहाँ पर सामान लगा हुआ था सारा अभी रखा हुआ बाहर, सारा सामान देखिए कितनी टाइट जगह हुई है, स्पेस की भी कमी है, वैसे तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ था पहले स्टोर था छोटा सा, और नीचे था गोदाम, और अभी गोदाम खाली कर दिया जिनका था, उन्होंने दुकान ले ली वापस। और इधर अब कर रहे हैं फिटिंग, और सारा सामान पहले भैया ने रखा हुआ है, जो भी जितना भी है घर पे। और शाम को चलेंगे हवा भराने उसमें, उसके बैलून में, क्योंकि काफ़ी तंग करता है फिर दीदी को वो। और शायद जीजू बोल रहे थे लास्ट को जाएंगे माता वैष्णो देवी के, अभी पूरा कंफर्म नहीं है अगर जाना भी है जाने। और गाइस, मैंने आपको बताया था ये कैमरा स्टैंड मैंने मंगवाया हुआ है, और वो एक्चुअली ऑर्डर ही नहीं हुआ था मेरे से, और मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया उसकी साइड, मैंने बोला आया नहीं यार इतने दिन हो गए, और फिर आज मैंने वापस उसको ऑर्डर कर दिया, अभी हो गया मेरे को कन्फर्म कि, क्योंकि कॉल आती है ना उसके बाद कि आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए, और मेरे को उस वक्त कॉल भी नहीं आई थी कि आपका ऑर्डर, मैं इसीलिए बोल रहा था कि यार कॉल भी नहीं आई तो। और अभी मेरे को जस्ट कॉल आई थी आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए, मैंने फिर अभी ऑर्डर कंफर्म कर दिया, फिर 2-3 दिन में मेरे पास पहुंच जाएगा, फिर बनाएंगे उससे ब्लॉग, चलेंगे कहीं घूमने, शायद देखेंगे अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो काली माता के मंदिर चलेंगे, राजबाग या शंभू मंदिर चलेंगे। और फिर अभी बैठे हुए थे, आज इतना काम भी नहीं है, फिर आ गए इनके पास, क्योंकि टाइम भी पास करना, क्या करना फिर। गाड़ी चलाई थी मैंने सुबह, काफ़ी मज़ा आया मेरे को, क्योंकि मेरा भाई बोलता था कि काफ़ी मज़ा आता गाड़ी चलाने में, मैं बोल रहा था क्या यार, जैसे स्कूटी बाइक चलानी है वैसे ही गाड़ी चलानी है, क्या मज़ा उसमें।
सच में काफ़ी इंजॉय, मज़ा आता है पूरा गाड़ी चलाने में। जैसे कि आज चलाई और ले लेंगे कुछ ही दिनों में, पहले तो वाईफाई लगवाना है, देखेंगे। भाई काफ़ी बारीकी का काम है ये, और मैं भी खड़े खड़े थक गया हूँ अभी। और अभी आ गए हैं यहाँ पर राहुल भैया भी, राहुल भैया भी देख रहे हैं कैसे फिटिंग होती है। और हम तो वैसे भी कहीं टाइम फ्री बैठे होते हैं, फिटिंग ही करेंगे दुकान पर, घर जाके अलमारी बनाएंगे, यहाँ पर बना बना के अलमारियाँ बेचेंगे यहाँ पर ही एक खोलेंगे। इनसे काम सीखना पड़ेगा अभी, इसीलिए मैं सुबह से देख रहा हूँ इनको कर क्या रहे हैं ये। देखिए राहुल ये भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं इनको, काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं काम में। उधर थले चाय बना वाले, अभी हमको ऑर्डर आ चुका है चाय का, अभी चाय पीनी है। मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था, दो तीन बार मैंने भी राहुल भैया को बोल दिया कि चाय पीनी है अभी, और अभी चलते हैं चाय पीने। सुनील भैया को बोलते हैं, क्योंकि अगर मैंने चाय बनाई तो मैंने तो उबाला करा के गिरा देनी है सारी चाय, मेरे से गिर जाती है। ये राहुल भैया या सुनील भैया कर सकते हैं चाय का काम, मेरे से तो नहीं बनेगी। चाय तो आती है बनाने, लेकिन वो नहीं गड़काने नहीं आती, वो उबल जाती है सारी फिर। और अभी चलेंगे फिर उसके बाद हार्दिक का बैलून फुलाने, और क्योंकि 5-10 रुपये लगेंगे, चलेंगे, पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर काफ़ी तंग करता, रात को सोता ही नहीं, ना ही दूध पीता है हार्दिक। अभी मेरा नेट भी ख़त्म हो चुका है, अभी लेंगे स्नेह भैया का हॉटस्पॉट, शायद इनके पास भी जीबी थोड़ी होगी, क्योंकि मैच देख रहे हैं ये भी पहले, इन्होंने ही बताया मेरे को कि तेरा ये कैमरा स्टैंड ऑर्डर नहीं हुआ, और अभी हो गया कंफर्म भी। और अभी इनका नेट लेंगे और फिर करेंगे थोड़ा सा टाइम पास, क्योंकि अभी इतना काम भी नहीं है, और ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा, बोरिंग सा लग रहा है। और सेंटर वाला लगा दिया ना, और फिर थोड़े देखेंगे अपने व्यूज चेक करेंगे, और फिर खाना भी खा लिया 4 बजे, अभी बनानी है चाय, 4:15 हो चुके हैं इस वक्त। और पापा का भी नीचे से मुझे ऊपर, मैं ऊपर था, फ़ोन आया कि चाय क्या, मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी दुकान पे ही बनानी है चाय, और अभी बनाएंगे कुछ समय बाद, और फिर चलेंगे 5 बजे बैलून को लेके हवा बनानी है। सुनील भैया हार्दिक के बैलून है वो, उसको हवा बनानी है, होता ना तब ही जरा होता है वो, इधर कौन भरेगा, चलेंगे उसके पास शाम को, चलेंगे उसके पास शाम को 5 बजे। और अभी सुनील भी अभी करेंगे रेस्ट, सभी रेस्ट कर रहे हैं, हम चलते हैं ऊपर, फिर 4 बजे बनाएंगे चाय, सभी उठ जाएंगे फिर चाय पीने के समय। और अभी मैं ही उठाऊँ और इनका वाईफाई लिंक के और थोड़ा सा नेट चलाएंगे, मेरा तो ख़त्म हो चुका है। देख सकते हो फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और जस्ट अभी हुई, और अभी बनाएंगे चाय। पहले भी आपको बताया था जगह काफ़ी खाली लग रही थी, खुली थी, और अभी जगह थोड़ी टाइट हो गई है फिटिंग की वजह से, टाइट टाइट लग रही है जगह। और अभी सुनील भी अभी सोए हुए हैं, उनको उठाते हैं फिर बनाते हैं चाय। गाइस मैंने सोचा था कि कुछ ही समय का काम है ये, थोड़ा छोटा काम, काफ़ी तरीके का काम है ये, मैंने सोचा था अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 10 बजे से लगे हुए हैं भैया, और अभी इसी रूम की फिटिंग करनी है, और काफ़ी अच्छी फिटिंग हुई की है, कोई कमी नहीं इसमें, और कोई कमी नहीं सोचता कि कोई कमी है इनमें, क्योंकि सबसे
अच्छे लगे हुए हैं, वो हमारे हैप्पी वे लगे हुए हैं, ऐसा ऐसी फिटिंग करते हैं कि कोई निकाल ही नहीं सकता फिटिंग वापस। गाइस मैं जा रहा हूँ सुनील भैया के साथ है, और अभी छन्नी जाके ही भराएंगे हवा उसके हाथ दी के उस बैलून में, और फिर चलेंगे घर पे। अभी मैंने दीदी के लिए और मम्मा के लिए लिया है ड्रेस, नाइट सूट वगैरह रात को पहनने के लिए कमरे को लेते हैं ना नाइट सूट, और वही ले लिए। घर में भी चूज हो जाएंगे क्योंकि घर पर भी जाना कहाँ है, घर पर रहना होता है, और घर पर पहनने के लिए कम्फर्टेबल है, और वही ले लिया अभी मैंने। और अभी चलेंगे घर पे और हवा बनाएंगे, फिर घर पे हार्दिक को देंगे सरप्राइज। भाई मम्मा ने ले लिया वो जो वाला ट्रैक सूट, और इन तीन कलर थे, तीनों में से कोई एक लेना मुझे पसंद आया है, भी अच्छा साथ में, और हार्दिक के लिए भी लाया हुआ है ये दो सूट, और दीदी के लिए लोअर, साथ में टी शर्ट है मजेंटा कलर की, काफी अच्छी ड्रेस है। हाँ जी पजामा मम्मा मेरे को बोल रहे थे नहीं लेना मैंने, क्योंकि शायद होंगे, मैंने बोला कोई बात नहीं क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, ढल ही जाएंगे कपड़े, बार बार चेंज करने पड़ते हैं। अभी हार्दिक भी खेल रहा है, और हार्दिक के लिए ले लिया हुआ है ये वाला ड्रेस, ये वाला ड्रेस ले लिया हुआ हार्दिक के लिए, तुद्दी तुद्दी कर रहा है आज फर्स्ट टाइम। ओए ओए हार्दिक चल रहा है धीरे धीरे, अभी कोशिश कर रहा है, और अभी सुबह से बोल रहा था मैंने कि इसको हवा भरानी है इसमें, और लेकिन लाइट चली गई थी अभी और नहीं भराई, अभी सुबह पहले यही काम करेंगे इसमें हवा भरा के आएंगे, और फिर कोशिश करेंगे, वैसे तो पंप होगा हमारे पास घर पे तो उसके साथ भरेंगे। पिन लेनी है, फुटबॉल वाली पिन होती है ना, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है घर पे, और उसके साथ ही भर देंगे, और अभी भाई आएगा फिर उसके साथ फिर करेंगे बातें, और अभी हार्दिक के साथ खेलेंगे थोड़ा सा, फिर खाएंगे खाना, फिर करेंगे वीडियो एडिटिंग। और गाइस अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।